हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से आज हम मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही पसंद होते हैं चलिए मोतीचूर के लड्डू हम बनाना शुरू करते हैं तो मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बेसन लेंगे तो यहाँ पर मैं एक कटोरी बेसन ले रही हूँ तो बेसन को हम अच्छी तरह से छान लेंगे छानने से इसमें जो लम्ब वगैरह गुटियाँ वगैरह वो सब इसमें से निकल जाएगी और इससे हम लड्डू बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं तो चम्मच के साथ अच्छी तरह से इसको आप चला लें ताकि सारे जो गुठियाँ वो आसानी से इसमें से निकल जाए तो ये लीजिए बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया एक बाउल ले, ले लेंगे और सारा बेसन हम बाउल में डाल देंगे तो इसमें आप हम पानी डालेंगे और पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे हम जो इसका बैटर तैयार करेंगे तो बैटर ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम बैटर तैयार करेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें जो हमें लम्स दिखाई दे रहे हैं वो आसानी से इसमें से निकल जाए तो ये लीजिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है तो बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है तो ये देखिए बिल्कुल हम इस तरह से इसका बैटर बनाकर तैयार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त तो घी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया तो इसमें हम बेसन डाल देंगे फ्राई करेंगे इसको हम जितना आप बेसन इसमें डाल सकते हैं डाल दें तो बेसन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए तो बेसन डालने के बाद इसको हम दो तीन बार अच्छी तरह से चला लेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई और मीडियम के बीच में रखेंगे तो ये देखिए बेसन के ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है तो बेसन हमारा पक कर तैयार हो चुका है तो चलिए बेसन को हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से और बाकी का जो बेसन है इसको भी हम इस तरह से कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी हम हाई और मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई कर लेंगे तो ये बहुत ही आसान तरीका है मोतीचूर के लड्डू बनाने का आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए तो ये लीजिए सारा बेसन हमने फ्राई कर लिया तो अब हम इसके दो या तीन इस तरह से पीसेस कर लेंगे और पीसेस करके इनको हम ग्राइंडिंग जार में चला लेंगे तो पीसेस इसके हमने इस तरह से कर लिए हैं तो यहाँ पे हम ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और ग्राइंडिंग जार में इस तरह से हम सारे पीसेस डाल देंगे और डालकर इसका हम पाउडर बनाकर तैयार करेंगे तो इसको तो हमें बिल्कुल इस तरह से दरदरा पीस लेना है तो बाकी का जो बेसन है उसको भी हम इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और डालकर इसका भी हम उसी तरह से दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करेंगे तो ये लीजिए सारा बेसन हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया और ये देखिए बिल्कुल दरदरा इस तरह से हमने इसको पीस लिया तो अब हम चाशनी तैयार करेंगे चाशनी तैयार करने के लिए आधी कटोरी हम कढ़ाई में पानी डाल देंगे और इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल देंगे और इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे और लड्डू बनाने के लिए हमें एक या दो तार की चाशनी बिल्कुल भी बनाकर तैयार नहीं करनी चीनी को बस हमें पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है तो ये देखिए चीनी पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज वाला फूड कलर डाल देंगे और फूड कलर हम चाशनी में अच्छी तरह से मिला देंगे तो बस चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है तो इसमें हम बेसन डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है और डालकर इसको हम चाशनी में अच्छी तरह से मिला देंगे तो ये देखिए इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कलर आना शुरू हो चुका है तो इस तरह से हम इसको दो तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चाशनी में डालकर इस तरह से पका लेंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट लाने के लिए इसमें आप थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे लड्डू खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो इसमें आप हम मगज डाल देंगे और मग़ज़ डालकर एक बार फिर से हम इसको चला लेंगे और सारे मगज़ हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे तो ये लीजिए लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है तो इसके हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे तो हाथों को पहले घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जो लड्डू बनाएंगे वो हाथों पर चिपकेगा नहीं तो इस तरह से हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे छोटे या बड़े जिस साइज़ के आप लड्डू बनाना चाहते हैं आप लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है तो सारे लड्डू हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल ही हलवा स्टाइल लड्डू हमारे बनकर तैयार होंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे तो ये लीजिए सारे लड्डू मैंने बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं तो आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिए और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं तो आप भी कीजिए ट्राई होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी अच्छी लगे लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए